जयनगर के पुल पे देख रहे हैं, ये मार्केट जाती है और हमारे कुछ साथी ये पीछे रह चुके हैं। ऐसा राष्ट्र भक्ति भी होना चाहिए तुम्हारे मुंह से। हम सब की अंतरात्मा में अवस्थित छात्र एवं छात्राओं, आज का यह दिन हमारे लिए प्रेरणा का वह अवसर है जो हर देशभक्त के हृदय में उल्लास का और प्रेरकता का वह ज्वार उत्पन्न करता है, जिसके बल पर कठिनाइयों का समंदर भी छोटा पड़ जाता है और जज्बा का ऐसा सेतु निर्माण हो जाता है जिसके सहारे किसी कठिनाई को, किसी बाधा को देशभक्त पार कर जाते हैं। होगी जहाँ भी कर्मठता होगी तो वहाँ कोई न कोई समस्या भी होगी। जो निकम्मा होता है
जहाँ कर्महीनता होती है वहाँ कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं होता है। लेकिन जहाँ भी कर्मशीलता होगी, कर्मठता होगी, तो वहाँ संघर्ष होगा, कठिनाइयाँ होगी। तो शेर की तरह दहाड़ कर जागो, और जिस जंजीर ने चेन जिस जंजीर ने तुमको बांध रखा है, तुम्हारी मानसिकता को गुलाम बना रखा है, उसको तोड़कर धरती पर गिरा दो। डरो मत, तुम बड़ी संख्या में हो और बाधा पहुंचाने वाले थोड़े हैं। बंधुओं, यही वह भाव है जो बंगाल के कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भी हृदय में यही भाव लहरा रहा था, और उन्होंने भारत माता का स्तवन करते हुए कहा कि के बोले माँ तुम्हें अबले, तुम्हें दुर्गा दस प्रहरण धारणी, मंदिरे मंदिरे तुम्हारा ही प्रतिमा गरे, अबला के नो माँ तुम्हें ये तो बोले। जब तुम्हारे पास इतना बल है, भारत माता के इतने सपूत है, तो कौन है जो तुमको अबला कह सकता है। और बंधु, यही भाव हिंदी के भी महाकवि जयशंकर प्रसाद के भी हृदय में धड़क रहा था, उबल रहा था, इसकी ज्वाला लहरा रही थी, जब वे कहते हैं कि जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष, हमारा प्यारा भारत वर्ष। कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा खड़ा हो जाती है के वापस जा न सका, मोड़ी के तो दोस्त मंगा दी अभी भाग घड़ी भर नाम उसमें कपाल था जिसमें खड़े।